सिवान में ताबड़तोड़ चली छापेमारी और कई घंटे तक हुए पूछताछ। पुलिस ही बेच रही है शराब, छापेमारी के बाद मच गया हड़कंप। बिहार के सिवान से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान में पुलिस द्वारा ही शराब बेचे जाने का मामला सामने आया है। लेकर उत्पाद विभाग ने छापेमारी की, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सिवान में पुलिस पर ही शराब बेचने के गंभीर आरोप लगे हैं। जैसे ही उत्पाद विभाग में हमेशा पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है और पुलिस शराबियों को जैसे ही पकड़ती है वैसे ही डीलिंग शुरू हो जाती है। बताया जा रहा है कि इन्हीं आरोपी को लेकर किसी ने पटना मद्य निषेध विभाग में पत्र के जरिए शिकायत कर दी। जैसे ही यह शिकायत पटना पहुंची, आनन फानन में मद्य निषेध विभाग पटना की टीम सिवान उत्पाद विभाग पहुंच गई, जहां उत्पाद अधीक्षक समेत कई पदाधिकारियों से कई घंटों तक कड़ी पूछताछ की गई। इस पूछताछ के दरमियान पूरे उत्पाद विभाग में हड़कंप मच रहा, वहीं मद्य निषेध विभाग की टीम इस जांच के बाद वापस पटना लौट गई। बिहार में जहां हर जगह शराब खरीदने बेचने की शिकायत मिलती रहती है, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करने की योजना में फेल होने का दावा भी विपक्ष हमेशा करता रहा है। 2016 में शराबबंदी लागू तो हुई, लेकिन उसे अमली जामा पहनाना ही टेढ़ी खीर बन गई। शराब माफियाओं द्वारा जहां शराब खुलेआम बेचे जाने के कई बार वीडियोस भी सामने आए, वहीं मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की, लेकिन नतीजा वही का वही धरा रह गया। अब पुलिस पर भी शराब बेचने का आरोप लगा है, जिसके तहत सिवान के उत्पाद विभाग पर शराब बेचने की शिकायत पटना तक पहुंची। वहीं 2 दिन पूर्व मुफस्सिल थाने में तैनात चौकीदार शराब पीने के जुर्म में पकड़ा गया था। इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी कितनी सफल है और कितनी फेल। सिवान उत्पाद विभाग में हुए छापेमारी के बाद पटना से आई मद्य निषेध के अधिकारी आदित्य कुमार ने बताया कि सिवान में उत्पाद अधीक्षक और अधिकारियों की मिलीभगत से विदेशी और देशी शराब बेचने की शिकायत मिली थी। हम लोग जांच करने आए हैं, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मामले की जांच की जा रही है, हालांकि इस छापेमारी के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है।